पद्मा राजेंद्र जी, ज्योति जैन, सुरभि और बामा और घमासान डॉट कॉम के सभी सदस्यगण, जैसा कि कहा गया, भारतवर्ष के कोने कोने से आई हुई महिला साहित्यकार और इनके बीच कुछ बंधु भी हैं। मैं जिनकी पुस्तकों का लोकार्पण हुआ उन सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ और आगे के लिए आशीर्वाद देती हूँ आपकी लेखनी को कि लेखनी चलती रहे चरैवती का संकल्प लेकर। मैं राजनीति में रही, सामाजिक कार्य में रही, महिलाओं के संबंध में बहुत सारी गोष्ठियों का आयोजन जिला स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर किया, लेकिन जिस सम्मेलन में कम से कम 33% पुरुष न हो उस महिला सम्मेलन को मैं सफल नहीं मानती। मैं कार्यकर्ताओं को कहती थी, महिला आयोजकों को कहती थी कि पुरुषों की उपस्थिति महिला सम्मेलन में बहुत आवश्यक है, इसलिए कि जो विचार आप वहाँ रखेंगे, जो प्रस्ताव पारित करेंगे, जो समस्याओं का समाधान जो आप ढूंढेंगे उसको कार्यान्वित कौन करेगा। यदि केवल महिलाओं ने ही जिम्मा उठा लिया कि हम सभी समाधान कर देंगे तो फिर तो समाज में बहुत बड़ी दरार आप खींचते हैं। महिला और पुरुष बात अलग अलग नहीं, हम एक होकर समस्याओं का समाधान ढूंढेंगे, समस्याओं को ढूंढेंगे। 1980 में जब मैं कार्यक्रम सामाजिक इसमें आई उस समय विमेन लीव का नारा बहुत थोड़ी थोड़ी बात इसी दृष्टि से कि आज तक हम कहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि लेखन की दृष्टि से हमारी बहन चंद्रकांता ने बहुत सुंदर ढंग से बातें कही। 1980 में पूरे विश्व में विमेन लीव का नारा आया था, नारी मुक्ति। उस समय मुझे महिला मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया था। मैंने कहा था भारतीय नारी को ये मुक्ति कबूल नहीं, हमें उस मुक्ति में नहीं जाना, हमारी महिलाओं के सिर के ऊपर से वो मुक्ति चली जाएगी, हम उसे कोई भींगेंगे नहीं, बूंद भी नहीं पड़ेगा हमारे ऊपर। और ऐसा ही हुआ, वो मुक्ति तो जहां से कनारा जहां से प्रारंभ हुआ वहां भी खत्म हुआ, लेकिन हमारी महिलाएं तो अपना जो प्रकृति ने दिया, संस्कृति ने दी, जो दायित्व तो दिया, हमको छोड़ने को तैयार। वो मुक्ति का उद्देश्य था पुरुषों से मुक्ति, पुरुषों से मुक्ति, हम मुक्त नहीं हो सकते, हमको पुरुष चाहिए, विभिन्न रूपों में चाहिए जैसे हम उन्हें विभिन्न रूप में चाहिए। ये दोनों को तो भारत छोड़ के और कहीं भी अर्धनारीश्वर का सिंबल नहीं है समानता के नाम, कहीं नहीं। हमको अपने बिंदुओं पर गौरव होना चाहिए और जो हमने कठिनाइयां हमारी बहनें झेलती आई हैं, झेलती हैं, उनके लिए बहुत दुखी होना चाहिए। इसको इनकार नहीं किया जा सकता कि महिलाओं पर हर पीढ़ी में अत्याचार हुआ है। तो पुरुषों से मुक्ति नहीं कबूल, जो हमें संस्कृति ने कार्य दिया है, दायित्व दिया है, घर संभालना, बच्चा संभालना, पूरे परिवार को संभालना, नौकर चाकर सारे रिश्तेदार को संभालना, धूरी आप बन जाती हैं, वो झोपड़ी हो या महल, हम अपने धूरी को नहीं छोड़ सकते, हमें उसी में कष्ट के साथ आनंद आता है। तो मुक्ति नहीं, किसी को नहीं चाहिए। अमेरिका में ही वो बात खत्म हो गई क्योंकि वह स्वाभाविक नहीं है, अस्वाभाविक था। मैंने और आप लोगों में से बहुतों ने महिलाओं की 5 पीढ़ियां देखी, मेरी नानी, मेरी माँ, मैं, मेरी बेटी और उसकी बेटी। ये 5 पीढ़ियों में बहुत भिन्नता है, चेहरे एक है, नानी के भी और मेरा भी और मेरी
नातिन का भी, लेकिन भिन्नताएं बहुत हैं। लेकिन जो भी भिन्नता है वो बाहरी है, कपड़ा पहनने का, बाल रखने का, बहुत कुछ। ये भिन्नता जो दिखती है वो सभ्यता है, संस्कृति में भिन्नता तो है ही नहीं। वो सब ममता एक है, सबके हृदय में ममत्व है, सबके हृदय में संवेदना है। कहीं पे मैंने समाज कैसा हो इसको लिखते लिखते, कविताएं मैंने बहुत कम लिखी है, गीत बहुत कम लिखा है, लेकिन बहुत सारे गीत जैसे राष्ट्रगीत भी हिंदी के बने हैं। तो उसकी चार पंक्तियां हैं, कैसा हो समाज, ममता से हो ओत प्रोत, समता आधारित समाज हो, संवेदना हृदय का भूषण, इससे सजा समाज। हर्षित मुकरा, हर्षित मुकरा, हर यौवन का पग में गति ले आए, निस्दिन नूतन गान सेवा का, तीन पीढ़ियां गाए, तीनों पीढ़ी मिल गाए, नव समाज निर्माण करे। संवेदना चाहिए, महिलाएं सभी अपने जो दिखते हैं अंग सब में जेवर पहनती हैं, सजना उनका धर्म है, बहुत अच्छी लगती है, पहनना चाहिए जेवर, सब पहनती है। पुरुष भी आजकल पहनने लगे हैं, पहले भी राजा महाराजा पहनते, लेकिन एक अंग है हमारा, उसमें कोई जेवर नहीं, कोई गहना नहीं, कोई आभूषण नहीं, और उस अंग के कारण हम यहाँ हैं, और वह अंग है छुपा हुआ हृदय। उसका आभूषण संवेदना ही है। किसी के मानवीय मूल्य को यदि परखना हो, जांचना हो, तौलना हो, तो उसके हृदय में कितनी संवेदना है। गांव में महिलाओं को बहुत नजदीक से मैंने देखा, पता नहीं कैसे, कभी कलम चलानी थी बड़े होकर, बचपन से उनकी चीजों को संभाला, कब किसका भाव कैसा रहा। कल भी मैंने अपने पति से बताया कि क्यों उस समय मेरे पिताजी जब मेरे छुटपन में मुझसे ही कहते थे, किसी से नहीं कहते थे, और अपनी मेरी भाषा में, हमारे यहाँ मैथिली में बोलते थे, बउआ आज बेग में से फेन 2 रुपया चोरी है, बैग में से उनके 2 रुपया 1 रुपया निकल जाता था, और वो बैग माँ ही रखती थी, और ऑफिस जाते समय माँ ही निकाल के देती। उनको मालूम था ये पैसा किसने निकाला। अभी भी मुझे बोलते हुए रोमांच हो रहा है, किसी और को नहीं कहा। मैं तो बहुत छोटी थी, मेरे पे इतना विश्वास क्यों करते थे, ये मैं कल मैं बैठे हुए एनालाइज कर रही थी, कितना विश्वास। और मैं भी, या हो सकता है कि उनको मालूम होगा कि जो लड़की है वो छुटपन में भी इतना जानती है, समझदार है, कि यदि माँ को बताना होगा, दूसरों को बताना होगा, तो किस भाषा में बोलेगी, कैसे माँ का भी सम्मान रखेगी, पिता का भी सम्मान रखेगी। उन्हें मालूम था, कितना विश्वास, भैया भी तो थे, उनको नहीं बताते। और ये उस उम्र से लेकर आज तक जो पुरुषों से मिलना हुआ है, जिन जो समझदार हैं, बुद्धिमान हैं, पुरुष मतलब सारा पुरुष समाज है, महिला मतलब पूरा महिला समाज, वो सचमुच उनके अंदर वह मंत्र का भाव जिंदा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवः। लेकिन उनको क्या करें, हम महिलाएं जानती हैं, हम हमेशा चावल को थाली में लेकर चावल से कंकर चुनती रही, क्यों यदि पूरी थाली का चावल किसी को हमने घर के किसी पड़ोस दिया खाने के लिए, वो चावल पूरा खा लेगा। मैं चावल का ही उदाहरण देती हूँ, क्योंकि भारत में तो अन्य राज्यों में भी बहुत चावल खाया जाता है, बिहार में तो थोड़ा बड़ा बड़ा पारस चावल खाया जाता है, बहुत ज्यादा। पूरा चावल खाने के बाद भी कुछ नहीं बोलेंगे,
गोवा वाले बैठे हुए हैं, वो कहेंगे कि गोवा तो भूल गए, गोवा में भी तो चावल खाया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे राज्य हैं, मुझे खुशी हो रही है संजय जी और जयश्री से मिलने में। गोवा में 5 वर्ष रह के आए, थोड़ी सी बात गोवा के बारे में आपको बताना चाहूंगी, जो भ्रम है, क्रांतियां हैं बाहर गोवा के बाहर। तो चावल में यदि 10 कंकर हैं, छोटे छोटे 5 कंकर हैं, एक ही कंकर है, वो कंकर यदि दांत के नीचे आएगा तो अपना प्रभाव जता जाता है। चावल प्रभाव नहीं जताया, हमने भात पूरा तो पूरी थाली खा ली। तो कंकर के समान ही, या आधा कंकर आधा चावल यदि घर, यहाँ पुरुषों की भी श्रेणी है सुसंस्कृत और कुसंस्कृत, तो बहुत सारी बातें जिससे हम दुखी हैं, जो महिला साहित्यकारों द्वारा लिखा भी जा रहा है, पुरुष भी लिख रहे हैं उन सब बातों को, तो मैं समझती हूँ कि वो इसलिए है, और इसलिए वो चुटकी, मजबूत चुटकी चाहिए, जिससे पुरुष की हो या महिला की, हम उन कंकरों को निकाल निकाल कर बाहर, वो कंकर नहीं चाहिए। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।